हाय फ्रेंड्स, देखिए केकेआर और आरआर के बीच जो मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले में कोलकाता की टीम भले ही हार गई हो, लेकिन कोलकाता की टीम ने यह बता दिया है कि वह आईपीएल 2024 में किस माइंडसेट के साथ खेल रही है और किस माइंडसेट के साथ आगे भी खेलती रहेगी, क्योंकि कोलकाता की टीम जिस तरह से लगातार परफॉर्म कर रही है वह काबिले तारीफ है। कोलकाता की टीम गौतम गंभीर की मेंटरशिप में जिस तरह का कमाल करती हुई जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कोलकाता की टीम और उसके बाद राजस्थान की टीम ही वह दो टीमें होंगी जो कि प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कल के मुकाबले की। कल के मुकाबले में कोलकाता की टीम 223 रन बनाने के बावजूद भी मैच हार जाती है और मैच को हरवाने वाला सबसे बड़ा रीजन अगर देखा जाए तो वह कोई और नहीं बल्कि केकेआर की टीम का सबसे महंगा गेंदबाज, जिसको कि 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता की टीम ने खरीदा था और यह सोचकर खरीदा था कि जब टीम पर मुसीबत आएगी तो सबसे बड़ा दुनिया का गेंदबाज यही आपकी टीम को मैच जिताएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि 24.75 करोड़ रुपए का यह गेंदबाज आता है, 4 ओवर गेंदबाजी करता है, 50 रन लुटाकर चला जाता है, 12.5 की इकोनॉमी से रन देता है। अगर मिचेल स्टार्क अपनी गेंदबाजी में केकेआर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा भी सुधार कर लेते तो आज केकेआर की टीम को यह दिन ना देखना पड़ता। बाकी अगर बात की जाए कोलकाता की तरफ से तो सुनील नारायण ने गजब की 109 रनों की पारी खेली और सुनील नारायण ने यह बताया है कि वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है बल्कि वह एक बेस्ट ऑलराउंडर बनने की राह पर चल चुके हैं और यह किसी और की वजह से नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि गौतम गंभीर ही थे जो कि क्रिस लिन के साथ भी सुनील नारायण को ओपनिंग कराया करते थे। और एक बार फिर से जब गौतम गंभीर को केकेआर की टीम की मेंटरशिप दी गई तो केकेआर की टीम की मेंटरशिप संभालते ही एक बार फिर से गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ओपनिंग कराना स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं है कि सुनील नारायण सिर्फ आंख बंद कर शॉट लगाते हैं, अब आंख बंद कर शॉट लगाने वाले सुनील नारायण गायब हो चुके हैं और अब वह गेंद को देखकर पूरी तरह से परख कर शॉट लगाते हैं। कल के मैच में जिस तरह के शॉट सुनील नारायण ने लगाए हैं वह देखने लायक थे। कई बार तो कई बल्लेबाज भी उनके शॉट को देखकर आश्चर्य में चले गए, उनकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि सुनील नारायण जिस तरह के शॉट लगा रहे थे 49 गेंदों पर सुनील नारायण ने अपनी पहली सेंचुरी आईपीएल इतिहास में पूरी की। आईपीएल इतिहास में क्या अपने कैरियर की पहली सेंचुरी पूरी की। और आपको यह भी बताते चले कि जब शुरुआत में सुनील नारायण बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त सुनील नारायण 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे और सभी को यही लग रहा था कि सुनील नारायण एक लंबा स्कोर नहीं बना पाएंगे। लेकिन उसके बाद सुनील नारायण वो बंदा 29 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करता है, उसके बाद 49 गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी करता है। और सेंचुरी पूरी करने का उनका तरीका देखिए, जब यूजी चहल गेंदबाजी लेकर आते हैं और सुनील नारायण को उस ओवर में अपना शतक पूरा करने के लिए लगभग 20 से ज्यादा रनों की जरूरत होती है और यूजी चहल जैसे गेंदबाज को, जिसको कि सबसे चतुर गेंदबाज कहा जाता है, जो कि भारतीय टीम को लगातार रिप्रेजेंट करता है, जो कि T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड रखता है, उस गेंदबाज को एक ही ओवर में, जबकि सुनील नारायण शतक के करीब होते हैं, 2 सिक्स लगाते हैं, 2 फोर लगाते हैं और उस कंडीशन में अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं। यानी कि अगर प्रेशर की बात की जाए तो सुनील नारायण के लिए प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने धनाधन यूजी चहल को 2 छक्के और 2 चौके लगाकर अपना अलग ही अंदाज में सेंचुरी पूरी की। जी हाँ दोस्तों, और अगर बात की जाए केकेआर की तरफ से दूसरे बल्लेबाजों की तो उसमें अंगक्रिस रघुवंशी का योगदान कम नहीं कहा जा सकता। भले ही उस बल्लेबाज ने 30 रन बनाए हो, 18 गेंदों का सामना किया, लेकिन उसने यह बताया है कि अगर गौतम गंभीर उनको सुरेश अय्यर और वेंकटेश अय्यर जैसे बड़े बल्लेबाजों, सुनील नारायण जैसे बड़े बल्लेबाजों से पहले भेज रहे हैं तो वह एक साधारण बल्लेबाज नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, वहीं रिंकू सिंह की 9 गेंदों पर 22 रनों की पारी या 20 रनों की पारी काबिले तारीफ थी, क्योंकि रिंकू सिंह की भी 9 गेंदों पर 20 रनों में अगर देखा जाए तो 1 चौका 2 छक्के शामिल थे। 222 के स्ट्राइक रेट से उस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की। 223 रन का लक्ष्य बनाने के बाद जब राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि राजस्थान की टीम का पहला विकेट मात्र 22 रन के स्कोर पर गिरता है, यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरता है और यशस्वी जायसवाल लगातार आईपीएल 2024 में फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद अब तक एक भी हाफ सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से नहीं निकली है, लेकिन यशस्वी जायसवाल उस तरह के बल्लेबाज नहीं है। यशस्वी जायसवाल कब अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे यह किसी को नहीं पता और ना ही कहा जा सकता। लेकिन राजस्थान की तरफ से दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करते हुए जोश बटलर ने क्या शानदार पारी खेली है, क्या शानदार बैटिंग का मुजाहरा दिखाया है। जोश बटलर ने बाद में इंटरव्यू में भी कहा है कि वह जो ये सब कुछ सीख रहे हैं T20 क्रिकेट में खेलना या सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों से खेल रहे हैं,
सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विराट कोहली और एमएस धोनी से मैंने ये सीखा है कि मैच को किस तरह से आखिर तक ले जाया जाता है और मैच को आखिर तक ले जाने के बाद किस तरह से मैच को जिताया जाता है। यह जोस बटलर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है। भले ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जोस बटलर ने जीता हो, लेकिन दिल जीतने में सुनील नारायण ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखा जाए तो जोस बटलर की पारी कमाल की थी और जोस बटलर का यह आईपीएल में 7वां शतक था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जोस बटलर ने अभी तक आईपीएल में 7 सेंचुरी लगाई है और 7 सेंचुरी लगाते हुए जोस बटलर की टीम कभी भी मैच नहीं हारी है। यानी कि जोस बटलर ने 7 सेंचुरी लगाई है, 7 के 7 मैच जोस बटलर की टीम जीती है। वहीं अगर विराट कोहली की बात कर ली जाए, भले ही विराट कोहली ने 8 सेंचुरी आईपीएल में लगाई हो, लेकिन 5 बार विराट कोहली के शतक लगाते हुए टीम मैच जीती है, जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। लेकिन यहां पर जोस बटलर का अगर देखा जाए तो 100% का रिकॉर्ड कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले कि 224 का जो रन चेस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने किया है, राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए सबसे बड़ा रन चेस था, क्योंकि इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम इतना बड़ा रन चेस लक्ष्य का पीछा करते हुए नहीं कर पाई थी, लेकिन पहली बार राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 224 रन का चेस किया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि आवेश खान भले ही देखिए आप उसको साधारण गेंदबाज मान रहे हो, लेकिन साल 2024 में उनकी गेंदबाजी कमाल की है, क्योंकि जब वो 17वां ओवर लेकर आते हैं और केकेआर की टीम बल्लेबाजी कर रही होती है, सुनील नारायण जैसे बल्लेबाज उनके सामने खड़े होते हैं, 17वें ओवर में आवेश खान ने सिर्फ 7 रन लुटाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 4 ओवर में उन्होंने 30 से ज्यादा रन दिए, लेकिन अगर उनकी पूरे आईपीएल में इकोनॉमी को देख लिया जाए तो बहुत बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंद बाजी आवेश खान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कैच भी उन्होंने शानदार लपका था। वहीं सुनील नारायण की अगर बात कर ली जाए, सुनील नारायण ने 2 विकेट भी इस मैच में चटकाए हैं, 109 रनों की पारी खेली है, एक कैच भी लपका है। उस लिहाज से अगर देखा जाए सुनील नारायण का भी मैन ऑफ द मैच कहा जा सकता था, लेकिन ज्यादातर मैन ऑफ द मैच जीतने वाली टीम को दिया जाता है और उसी हिसाब से जोस बटलर को यह मैन ऑफ द मैच दिया गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि देखिए केकेआर की टीम का माइंडसेट पूरी तरह से बिल्कुल फिक्स हो चुका है। केकेआर की टीम के बल्लेबाज आएंगे, धनाधन रन बनाएंगे, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देंगे। सुनील नारायण को जो गौतम गंभीर है वो इसी माइंडसेट के साथ तो ओपनिंग में उतार रहे हैं, ताकि उनकी टीम के स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील किया जा सके। अंगक्रिस रघुवंशी जैसे बल्लेबाज, हालांकि अगर देखा जाए तो अंगक्रिस रघुवंशी अंधे होकर शॉट नहीं खेलते, अंगक्रिस रघुवंशी बड़े ही सूझबूझ के साथ शॉट को खेलते हैं और अपनी पारी को बढ़ाते हुए दिखते हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम की अगर देखा जाए तो 7 मैचों में अच्छी टीम जीत थी और राजस्थान रॉयल्स की टीम लगभग अब प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे पहुंच चुकी है, क्योंकि 2 या 3 मुकाबले जीतते ही राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली सबसे पहली टीम बन जाएगी। वहीं केकेआर की टीम की अगर बात की जाए तो 6 मुकाबलों से 4 मुकाबले जीत चुकी है। अब राजस्थान केकेआर की टीम भी काफी मजबूत स्थिति में है। आपने स्टेडियम में देखा होगा किस तरह का माहौल था जब शाहरुख खान सुनील नारायण के छक्कों पर और उनकी सेंचुरी पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं आपने यह भी देखा होगा गौतम गंभीर का किस तरह का रिएक्शन था, किस तरह से उन्होंने सुनील नारायण को गले लगाया हो। भले ही देखिए गौतम गंभीर को कितने भी लोग हेट करते हो, लेकिन अपनी टीम जिताने में कहीं ना कहीं वह अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा।